मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात हाईवा और जायलो गाड़ी में हुई भिड़ंत, एक की गई जान, कई घायल। घटना के बाद पुलिस ने वाहन की जांच की तो उस गाड़ी से मिली कई शराब की बोतल व रैपर शराब तस्करी का जताया जा रहा अंदेशा। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया पुल के पास देर रात हाईवा और जायलो गाड़ी में भिड़ंत हुई, जिसमें जायलो गाड़ी के ड्राइवर धर्मेंद्र यादव की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तब उसमें कई बोतल शराब की मिली। वहीं बताया जा रहा है कि जायलो का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और तेज रफ्तार के कारण हाईवा से टक्कर हुई, जिसमें चालक की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन का कहना है कि ड्राइवर भाड़ा लेकर बांका से भागलपुर आ रहा था। रात में ही जब ड्राइवर के मोबाइल पर परिजनों ने फोन किया तो पुलिस वाले ने घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। वहीं गाड़ी में शराब मिलने को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं शराब के रैपर्स को पुलिस ने जला दिया। वहीं पुलिस को अंदेशा है कि गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी और गाड़ी में और भी लोग मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, जो घटना के बाद फरार हो गए। डेढ़ बजे करीब फोन आया, भाभी मेरा फोन कर रही थी उधर से, तो थाना वाला कोई सर उठाए तो बोले कि एक्सीडेंट किया है भागलपुर हाईवे पे, मायागंज में भर्ती है, तो आके मिल सकते हैं। तो हम सोचे कि नॉर्मल हुआ होगा, पूरा तो फुल हमको बताया नहीं, हमको पता नहीं चला। जब हम यहाँ आए, यहाँ करीब हम 4:30 बजे लमसम आए, 1:30 बजे सूचना मिला, तो आए तो यहाँ अचानक बोला कि यहाँ आपका डेड बॉडी है, देख सकते हैं। कहाँ जा रहे, कहाँ से आ रहे? ये आ रहे थे उधर भाड़ा लेके आ रहे थे। भाड़ा लेके भरत बुला रहे थे जी। क्या नाम था इनका? धर्मेंद्र यादव। कहाँ घर है? कटहरा। जिला? बांका। आपका नाम? नवीन कुमार यादव। भाई है? जी, मेरा बड़ा भाई।